हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विथ मान। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ मान पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यूपी के कुछ स्पेशल फैक्ट्स जो आगामी यूपी की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखें। चलिए आज शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी की हर एक चीज़ देखेंगे जिससे क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये सीरीज़। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। दोस्तों, इसीलिए आज मैं मैप भी लेकर आया हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन न रह जाए। दोस्तों, तो आप यहाँ मैप में देखिए कि यहाँ है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ये जो दोस्तों मैंने इसको कलर कर दिया, ये उत्तर प्रदेश है दोस्तों। और इसके पूर्व में दोस्तों बिहार आपको दिख रहा होगा, ये बिहार है दोस्तों। और उसके बगल में झारखंड है दोस्तों, और झारखंड के बगल में छत्तीसगढ़ आप देख पा रहे होंगे, और उसके बगल में दोस्तों मध्य प्रदेश है। उसके बाद राजस्थान की सीमा भी उत्तर प्रदेश से लगती है, हरियाणा की भी सीमा पश्चिम से लगती है दोस्तों, और ये हिमाचल प्रदेश की भी सीमा सहारनपुर में बहुत थोड़ी सी उत्तर प्रदेश से लगती है। और उत्तराखंड तो आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश से बाद में अलग होकर बना है, तो इसकी भी सीमा लगती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा भी लगती है दोस्तों, और यहाँ पे बहुत छोटी सी सीमा यहाँ पे लगती है दोस्तों, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से। और दिल्ली से मैंने आपको बताया कि देखिए दोस्तों, ये हरियाणा के पास जो आपको ध्यान से देखेंगे तो दिख रहा होगा, छोटा सा जो रेड कलर का पॉइंट है वो दिल्ली है, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, आपको पता है। और उसकी सीमा लगती है दोस्तों उत्तर प्रदेश से। और एक बात बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है दोस्तों, तो जान लीजिए नेपाल के साथ दोस्तों। नेपाल के साथ यहाँ पे नेपाल है, और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। हमारा अगला स्लाइड क्या है? अगला स्लाइड है दोस्तों उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या के बारे में। तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या को लेकर। तो सबसे पहले जान लीजिए उत्तर प्रदेश में 275 जिले हैं। सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ है। यहाँ मैप पे देखिए, यह लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो दोस्तों है, जो सबसे बड़ा जिला है वो है लखीमपुर खीरी। ये आपको देख के लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। और आपको पता होगा कि यहीं पे दुधवा नेशनल पार्क है, ये भी आपको पता होगा। और उत्तर प्रदेश का दोस्तों सबसे छोटा जिला जो है वो भदोही है, संत रविदास नगर। नाम बदला गया है, भदोही रखा गया है, पहले संत रविदास नगर था। और संत रविदास नगर रखा किसने था? तो सुश्री मायावती जी ने ये नाम रखा था दोस्तों, आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला अगला स्लाइड है दोस्तों, अगला स्लाइड है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ये भी आप याद रखिए कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पहला राज्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है पूरे भारत का। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों मध्य प्रदेश का, उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, और चौथे नंबर पे आता है नंबर उत्तर प्रदेश का। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, उत्तर प्रदेश का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा है। और यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में तापमान कैसा रहता है और उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, और औसतन तापमान जो उत्तर प्रदेश का रहता है जनवरी में, वो रहता है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का अधिकांश हिस्सा मैदानी है, और यहाँ पे जनवरी के महीने में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है दोस्तों। और मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको पता ही होगा। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात है यहाँ पे कि
कि पूर्व में वर्षा ज़्यादा और उत्तर पश्चिम की तरफ धीरे धीरे कम होती है। यहाँ पे मैं आपको बस फैक्ट बता रहा हूँ, जब मैं अगर भूगोल की क्लास आपसे लेता तो मैं आपको बताता कि जो मानसून दोस्तों उत्तर प्रदेश में आता है वो दक्षिण पश्चिम से दोस्तों आता है, और आते आते यहाँ से फिर घूम के धीरे 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 मानसून कम होता जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी ज़िला यानी जो मथुरा वाला और आगरा वाला जो दोस्तों बेल्ट है वहाँ पे वर्षा कम होती है। वही रीज़न है कि गोरखपुर जो पूर्वी हिस्सा है, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है गोरखपुर, वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आप पश्चिम में जाएंगे वर्षा कम होती जाती है। इसीलिए जो मथुरा वाला जो दोस्तों क्षेत्र है वहाँ पे खेती कम होती है यानी वर्षा भी कम होती है, इसीलिए वहाँ पे दोस्तों हरी सब्जियाँ ये उगाने में बहुत ज़्यादा किसानों को परेशानी होती है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगली बात है दोस्तों कि गंगा यमुना गोमती घाघरा शारदा ताप्ती, दोस्तों शारदा राप्ती है यहाँ पे, शारदा राप्ती आदि इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। दोस्तों आपको बता दूँ मैं कि जो गंगा नदी है दोस्तों, गंगा नदी बिजनौर से दोस्तों कहाँ से, बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करके और बलिया से दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला है बलिया, यहाँ से बाहर निकल जाती है यानी बिहार में दोस्तों चली जाती है, और यमुना भी उत्तर प्रदेश से होके, और दोस्तों ये आगरा आपको पता है इसके किनारे है, तो आगरा से होते हुए कानपुर होते हुए ये भी उत्तर प्रदेश में बहती है। गोमती आपको पता ही है कि ये फुलहर झील से दोस्तों निकलती है। और चलिए घाघरा की बात करते हैं दोस्तों, घाघरा आपको पता है वो उधर से उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश में आती है। और अगली बात दोस्तों शारदा का यहाँ पे नाम आता है, शारदा को काली नदी भी दोस्तों कहते हैं, शारदा को काली नदी भी दोस्तों कहते हैं, और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी, अगर आपसे पूछा जाए कि नहर कौन सी है तो इसको शारदा नदी को नहर भी नाम दिया जाता है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब इतिहास के बारे में भी देख लेते हैं। भूगोल तो हमने देख लिया दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्या है, चलिए अब इतिहास भी थोड़ा देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। हिंदू धर्म के देवता श्री राम और श्री कृष्ण की जन्मस्थली अयोध्या और मथुरा उत्तर में स्थित है। दोस्तों आपको पता है कि श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या और श्री कृष्ण की जन्मस्थली दोस्तों मथुरा में है, ये बात आपको अच्छे से पता है। चलिए वैदिक सभ्यता की स्थली भी देख लेते हैं, ये वैदिक सभ्यता की दोस्तों दोनों स्थलियां हैं, और इनका अभी राम जन्मभूमि को लेकर बहुत विवाद रहता है, तो ये पॉइंट आपको हमेशा से याद रहता आया है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना है, उसको लेकर हमेशा से विवाद रहा है। चलिए उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन और नाम परिवर्तन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं दोस्तों इससे क्वेश्चन बन के एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको विस्तार से उत्तर प्रदेश का इतिहास नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपको शॉर्ट तरीके से वन लाइनर के रूप में बताने वाला हूँ कौन से क्वेश्चन आते हैं और कैसे आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि 1834 में उत्तर प्रदेश किस प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, तो आप उत्तर देंगे दोस्तों कि आगरा प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन बनेगा आपसे कि 1836 में दोस्तों, 1836 में उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता था उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से, उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से। फिर देखिए दोस्तों 1858 में इसको अवध बोला गया, 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत बोला गया दोस्तों, और 19 में ब्रिटिश शासक भारत का संयुक्त प्रांत, 1921 में ब्रिटिश भारत का संयुक्त प्रांत बोला गया दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बोला गया इसको, और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भी इससे अलग हो गया, और उत्तराखंड ने अपना अलग ही निर्माण कर लिया 9 नवंबर 2000 को। चलिए अब इसके दोस्तों थोड़ा सा राजकीय प्रतीकों के बारे में जान लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो वह है दोस्तों बारहसिंगा। ये बात आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, और दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी तो वो है दोस्तों सारस।
ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है दोस्तों, और राजकीय पुष्प कौन सा है दोस्तों, तो वो है पलाश। क्या है दोस्तों? पलाश। और दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष अगर पूछे तो वो है दोस्तों अशोक। कौन सा? अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। चलिए अगली स्लाइड के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है दोस्तों? जो राजकीय प्रतीक के बारे में हम लोग बातें करते आ रहे हैं उसी को ये दोबारा लिख दिया है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय मुहर रोहू और धनुष। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये उत्तर प्रदेश का चिन्ह है दोस्तों, मुहर है रोहू और धनुष, यानी रोहू मछली जो होती है आपको पता होगा वो है, और तीर और धनुष उत्तर प्रदेश का राजकीय मुहर है, और राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का दोस्तों हॉकी है, और राजकीय नृत्य दोस्तों कथक है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कथक है, और यहाँ से क्वेश्चन बार बार बना है तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं दोस्तों, राज्यपाल दोस्तों राम नाईक जी हैं, उत्तर प्रदेश के वर्तमान उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल जो हैं वो हैं राम नाईक जी, और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं विधानसभा के बारे में दोस्तों। हम यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया है हम वन लाइनर बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे विस्तार की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे संक्षिप्त रूप से हम उत्तर प्रदेश को पढ़ रहे हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जान लीजिए कि विधानसभा में उत्तर प्रदेश के 404 निर्वाचित और एक मनोनीत सदस्य होते हैं, यानी टोटल 404। अगर दोस्तों ये याद रखने वाला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में एक एंग्लो इंडियन और 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं, और विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, तो वो होते हैं 100। विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 100। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय वो इलाहाबाद में है, और उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है दोस्तों वो लखनऊ में है। तो ये सब आप याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो लखनऊ है, और उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, और उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं ना वो 80 हैं। कितनी है दोस्तों? 80 हैं। बना हुआ क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 80 सीटें हैं, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों, तो वो 31 हैं। कितनी है दोस्तों? 31। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, इसको आप याद कर जाइए। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के बारे में। यहाँ से भी हर उत्तर प्रदेश के एग्ज़ामों में क्वेश्चन बन ही जाता है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या 19.98 करोड़ है। ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है दोस्तों। जो वृद्धि दर थी दोस्तों 2011 में, जो वृद्धि दर थी वो थी 20.23 दोस्तों, 20.23। तो इसको याद कर लीजिए, 20.22, चाहे 20-22 याद कर लीजिए दोस्तों। 20-22 की दर से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दर में वृद्धि हुई है, और लिंगानुपात जो है दोस्तों वो 912 है, यानी प्रति 1000 पुरुष पे 912 महिलाएं हैं दोस्तों। बाल लिंगानुपात 902 है, यानी 1000 बालकों पे 902 बालिकाएं हैं दोस्तों। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करते हैं तो वो 829 है दोस्तों, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर पे 829 व्यक्ति हैं दोस्तों। साक्षरता की बात करें अगर, तो 67.78 जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, सॉरी दोस्तों साक्षरता है, और पुरुष साक्षरता उत्तर प्रदेश में दोस्तों पुरुष साक्षरता वो 77.28%, महिला साक्षरता 57.18% दोस्तों। शहरी जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, शहरी जनसंख्या वो 77.73% है, और ग्रामीण जनसंख्या 22.27
प्रतिशत है। दोस्तों गांव में जनसंख्या 22.27% जनसंख्या उत्तर प्रदेश की गांवों में निवास करती है। चलिए और कुछ फैक्ट 2011 की जनगणना से देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों इलाहाबाद। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है, और वर्तमान में इलाहाबाद की जो 2011 के अनुसार जो जनगणना के अनुसार जो वर्तमान जनसंख्या है दोस्तों वो 59 लाख है। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद, सबसे कम जनसंख्या वाला दोस्तों महोबा, 8.75 लाख ही बस यहाँ पे महोबा की जनसंख्या है। बात करें दोस्तों सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है, तो वो है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा जिला दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है दोस्तों? तो वो हुई है बहराइच में। कहाँ पे हुई है दोस्तों? बहराइच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम साक्षर जिला, जो सबसे कम साक्षर जिला है दोस्तों वो है श्रावस्ती। सबसे कम कौन सा है? श्रावस्ती। यहाँ के लोग थोड़ा दोस्तों कम पढ़े लिखे हैं, इसीलिए 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ इसको बताया गया है कि श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है? तो दोस्तों वो भी हुई है श्रावस्ती में ही, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश का में रैंक जो है वो 4 है। वृद्धि दर 8% जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश की है। और जीडीपी क्षेत्र जो है बांटा गया है दोस्तों, कृषि का 25%, उद्योग का 24% और सेवा कर का 51% है। और प्रति व्यक्ति आय कितनी है दोस्तों? यहाँ पर डॉलर में दे दिया है $1200। दोस्तों डॉलर में दे दिया है $1200 उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय है। और मानव विकास सूचकांक जो उत्तर प्रदेश का है दोस्तों वो 77 है, सॉरी दोस्तों भारत का 77 है। ध्यान दीजिएगा 2018 में भारत का दोस्तों भारत का दोस्तों ये है भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 77वां स्थान है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 77वां स्थान है। और यहाँ पे मानव विकास सूचकांक की बात किया दोस्तों, तो मानव विकास सूचकांक में उत्तर प्रदेश को चौथी रैंक हासिल है, तो 25वीं रैंक हासिल है। चलिए आगे बात करते हैं कृषि के बारे में दोस्तों। उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में बात कर लेते हैं। तो गंगा यमुना की उपजाऊ भूमि के कारण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अन्न का उत्पादन होता है। ये तो बात बिल्कुल भी सही है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना की उपजाऊ भूमि के कारण सर्वाधिक अन्न की प्राप्ति होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का लगभग 65% कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। यानी उत्तर प्रदेश के जो पूरे लोग हैं उसमें दोस्तों उसमें से 65% लोग तो बस खेती करने में लगे हुए हैं। और आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में गेहूं, धान, दालें, आलू और तिलहन आदि की फसल उगाई जाती है। ये सबको पता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, आलू, आम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन के आया भी है कि उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू, आम के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। और चावल और सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश बंगाल के बाद द्वितीय स्थान पर है। यानी पहले स्थान पे दोस्तों बंगाल है, और दोस्तों दूसरे स्थान पे क्या है? तो उत्तर प्रदेश है। किसके उत्पादन में? चावल और सब्जी के उत्पादन में। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हम लोगों का कि दोस्तों अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में जो स्मारक है दोस्तों, इमारतें या स्मारक हैं, तो स्मारकों के बारे में जान लेते हैं। ताजमहल आगरा में स्थित है, शाहजहां ने बनवाया था, सबको पता है दोस्तों ये ताजमहल है और ये आगरा में स्थित है और इसको शाहजहां ने बनवाया था। अगला है बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, ये दोस्तों अकबर ने बनवाया था। ये अपनी जो दक्षिण विजय यानी जो गुजरात की विजय किया था अकबर, उसके बाद इसने बुलंद दरवाज़ा को बनाया था। जब आप इतिहास पढ़ेंगे डीप तो आपको पता चलेगा कि बुलंद दरवाज़ा आसार कीन के दरवाजे से प्रेरित होकर अकबर ने बनवाया था। दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है
ये बुलंद दरवाजा किसके किस दरवाजे से प्रेरित होकर बनवाया गया है दोस्तों, तो आसार कीन के दरवाजे से प्रेरित होकर बनवाया गया है। और दोस्तों आसार कीन का दरवाजा किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था इल्तुतमिश ने। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया है दोस्तों। अकबर का मकबरा दोस्तों है कहाँ पे, तो यह है दोस्तों आगरा में। अकबर का मकबरा कहाँ पे है, आगरा में है। और बड़ा इमाम बाड़ा सबको पता है दोस्तों लखनऊ में है। और इसको बनवाया किसने था, इसको बनवाया था असाफ उल दौला ने। ये सब याद करने वाले पॉइंट हैं दोस्तों। और बात करते हैं अब झांसी के बारे में, तो झांसी का किला बनवाया था, है दोस्तों झांसी में। और झांसी का किला किसने बनवाया था, तो बनवाया था राजा बल सिंह देव ने। किसने, राजा वीर सिंह देव, सॉरी दोस्तों राजा वीर सिंह देव ने ये झांसी का जो किला है इसको बनवाया था। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अब राष्ट्रीय पार्क के बारे में देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क। तो एक पार्क है दोस्तों राष्ट्रीय पार्क दुधवा, और इसकी स्थापना दोस्तों सबसे पहले 1977 में, सबसे पहले प्राचीन राष्ट्रीय पार्क है उत्तर प्रदेश का दोस्तों। और यहाँ पे यूनेस्को की जो द्वारा घोषित जो स्मारकें हैं दोस्तों, उसमें आगरा का किला जो है 1983 में इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। फतेहपुर सिकरी 1986 में दोस्तों शामिल किया गया। और ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। चलिए अब जनजाति के बारे में बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जनजाति के बारे में। तो प्रमुख जनजाति जो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, चेरो, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी आदि, इतनी जनजातियां उत्तर प्रदेश में हैं दोस्तों। बहुत सारी जनजातियां हैं, लेकिन प्रमुख जनजातियों के बारे में हम जो पढ़ते हैं उनके बारे में आप जान लीजिए कि चेरो, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी जनजाति उत्तर प्रदेश में है। और सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों थारू की है, जो गोरखपुर, महाराजगंज, लखीमपुर में निवास लखीमपुर खीरी में दोस्तों निवास करती है। सबसे बड़ी जनजाति थारू है। और थारू जनजाति दोस्तों ये दोस्तों दिवाली पर शोक भी मनाती है, ये जनजाति दिवाली पर शोक मनाती है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली के दिन शोक मनाती है, तो वो है दोस्तों थारू जनजाति। और ये दोस्तों गोरखपुर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी में पाई जाती है। और सबसे छोटी जनजाति जो है दोस्तों वो है बनरावत। कौन सी जनजाति दोस्तों, बनरावत उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति, यानी सबसे कम जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो है बनरावत। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या जनजातियों की कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है दोस्तों सोनभद्र में, ये भी आप याद रखिएगा। और सबसे कम जनसंख्या बागपत में है जनजातियों की। ये सब क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए प्रसिद्ध जिला किसके लिए, कौन सा जिला प्रसिद्ध है, इसके बारे में बात करते हैं। मैं पूरा उत्तर प्रदेश आपके सामने वन लाइनर के रूप में लेके आया हूँ, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों जो लाइक का बटन काला रहता है ना, उसको आप नीला कर दीजिएगा। और हमारे सब्सक्राइब रेड बटन को भी आप हिट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बेल आइकन पर क्लिक करके दोस्तों नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करके कर दीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और आप इस स्टडी ऑनलाइन स्टडी विथ मान के साथ दोस्तों आप एक परिवार के रूप में जुड़े रहिए। हम आगे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो चलिए देखते हैं प्रसिद्ध जिलों के बारे में दोस्तों। लकड़ी के लिए दोस्तों वाराणसी और मेरठ प्रसिद्ध है, सबको पता है दोस्तों। पीतल के लिए मथुरा दोस्तों, दिया सलाई के लिए दोस्तों बरेली, रबड़ के लिए दोस्तों गाजियाबाद, ताला के लिए अलीगढ़, चमड़ा के लिए दोस्तों कानपुर, कागज़ के लिए सहारनपुर दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कानपुर सहारनपुर में दोस्तों स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी भी स्थापित है सहारनपुर में। यहाँ पे आईटी सिटी दोस्तों नोएडा को बोला जाता है, सबको पता है। और खेल का सामान दोस्तों मेरठ से मिलता है, ये भी सबको पता है। और कांच उद्योग दोस्तों फिरोजाबाद में प्रसिद्ध है, सबको पता है कि कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद से ही बन के आती हैं। चलिए प्रमुख खनिज के बारे में अब बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रमुख खनिज जो उत्तर प्रदेश में प्राप्त होते हैं,
तो चूना पत्थर मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र से प्राप्त होता है, आपको पता है दोस्तों। चूना पत्थर लिखा है तो मिर्ज़ापुर वाला जो बेल्ट है, सोनभद्र वाला, ये सब पहाड़ी इलाके हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ भी हैं, तो चूना पत्थर अगर कहेगा तो आप दिमाग ज़्यादा नहीं लगा कर आप मिर्ज़ापुर और सोनभद्र टिक कर दीजिएगा। डोलोमाइट बांदा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है दोस्तों। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। यूरेनियम के सीमित भंडार दोस्तों ललितपुर में मिले हैं दोस्तों। ये जो ललितपुर आप यहाँ पे मैं गोला कर रहा हूँ देख रहे हैं, ललितपुर में दोस्तों यूरेनियम के सीमित भंडार मिले हैं। बहुत ज़्यादा यूरेनियम नहीं मिला है दोस्तों, सीमित भंडार मिले हैं। कोयला सोनभद्र से प्राप्त होता है दोस्तों। ये जो दोस्तों यहाँ पे सबसे किनारे सोनभद्र आप देख रहे होंगे, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र सोनभद्र ऐसा ज़िला है जो चार राज्यों के साथ अपनी सीमा को दोस्तों जोड़ता है। और वो कौन कौन से है दोस्तों, तो याद रखिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सोनभद्र जो ज़िला है दोस्तों, सोनभद्र ये चार राज्यों से अपनी सीमा को बनाता है। पहला है दोस्तों बिहार पूर्व में, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़ और इधर दोस्तों मध्य प्रदेश। ये चार राज्यों से अपनी सीमा जोड़ता है सोनभद्र। पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया। चलिए अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश से लेके। तो उत्तर प्रदेश में कुल मुख्य रूप से दोस्तों हिंदी, उर्दू और भोजपुरी मुख्य भाषा के रूप में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं दोस्तों, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। ये दो उत्तर प्रदेश के दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। चलिए अब अगली बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है दोस्तों। और लखनऊ में मलिहाबाद का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है। ये सबको दोस्तों पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जो मलिहाबाद का दशहरी आम विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है उत्तर प्रदेश के लिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ये सबको पता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री महिला जो हैं वो सुचेता कृपलानी हैं। और उत्तर प्रदेश में सिंचाई किसके द्वारा होती है, ये पूछा जाता है बार बार, तो ध्यान लीजिए कि सबसे पहले नलकूपों का प्रयोग, उसके बाद नहरों द्वारा, फिर कुओं द्वारा, उसके बाद तालाबों द्वारा। ये सीरीज बार बार आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है, इसी को पलट के इधर उधर लिखा जाता है, आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो याद कर लीजिए, नलकूपे नहरें कुएं और तालाब, नलकूप नहरें कुएं तालाब, इनके द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। और चलिए अगला फैक्ट देखते हैं परीक्षा से रिलेटेड, और ये हमारा लास्ट होगा दोस्तों, तो इसको आप ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश की नगदी फसल क्या है दोस्तों, गन्ना। नगदी फसल दोस्तों गन्ना है उत्तर प्रदेश का, और सर्वाधिक जो मात्रा में फसल उत्तर प्रदेश में होती है वो गेहूं है, लेकिन नगदी फसल दोस्तों गन्ना है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत बिरहा है, सबको पता है दोस्तों, पूर्वांचल में बिरहा गाया जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण नोएडा और आगरा के बीच किया गया है दोस्तों, सबको पता है। चलिए अगली बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी में है, ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो में भी पूछा गया था और यूपीपी में भी पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। यमुना और चंबल नदी इटावा के पास मिलती है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ नोट कर दिया इसको कि यमुना और चंबल नदी इटावा के पास मिलती है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम गोविंद बल्लभ पंत है। उत्तर प्रदेश के पहले पुरुष मुख्यमंत्री मैं कहूँगा इनको गोविंद बल्लभ पंत, और पहली महिला मुख्यमंत्री दोस्तों तो सुचेता कृपलानी। ठीक है, तो ये सब फैक्ट जो मैंने आपको बताया है दोस्तों याद कर लीजिएगा। और इसका जो जो पीडीएफ आपको दोस्तों चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, मैं वहाँ पे डेली पीडीएफ आपको देता रहता हूँ।
पर डे करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में आती है दोस्तों, तो उसके लिए भी आप 5 मिनट दोस्तों टाइम निकाल के, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप 5 मिनट टाइम निकाल के मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर ज़रूर देखा करिए, आपकी डेली डेली करंट भी तैयार हो जाएगी। और ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं उत्तर प्रदेश से स्पेशल में लेके आ रहा हूँ यूपी परीक्षाओं से, ये आप रोज़ देखा करिए और रिवीजन करिए दोस्तों, एक बार में नहीं कर पाएंगे आप रिवीजन करिए। मॉर्निंग में एक बार करंट अफेयर की वीडियो देखिए, फिर शाम को एक बार देख लेंगे, तो आपको हमेशा ये कंफर्म रहेगा कि किसका आंसर क्या होगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे मैं विदा लूँगा, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ दोस्तों जाने से पहले एक बात और है, जाइए नहीं, सुनिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, जिससे हमें, और वीडियो को लाइक करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।